हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो मैं आज नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं कुछ आपको ये बताऊंगा कि अपने जीमेल के ऊपर कोई मैसेज को डिलीट करना है तो उसको कैसे डिलीट करते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आप कैसे ये अपने जीमेल के नंबर अपने जीमेल के मैसेज को डिलीट करते करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने जीमेल को ओपन कर लेना है। अपने फ़ोन में कहीं भी आपका जीमेल होगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में ये देखो जीमेल ये मेरे फ़ोन में ये रहा, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये मेरे पासवर्ड लगाए हुए, आपके फ़ोन में पासवर्ड नहीं होंगे ये तो आपको पता ही होगा। तो आपको ओपन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसको मैसेज को डिलीट करना है। कैसे करना है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। तो गाइज आप जीमेल को ओपन करते ही कुछ इस प्रकार आपको सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। और अदर आपके फ़ोन मेरे अभी जीमेल न्यू है तो अभी मैसेज कम आए हुए आपके फ़ोन में ज़्यादा मैसेज आए होंगे। तो अब आपके बात रहे इसको डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए आपको कुछ नहीं है, देखो मेरे पास केनवा का एक मैसेज आया हुआ है, इसको डिलीट करना है मुझे। 9 जून को मेरे मैसेज आया हुआ है, इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर थोड़ी देर दबाए अपनी उंगली को टच करके रखना है। टच करने के बाद में आपको ऊपर ही ऊपर ये देख सकते हो 2-3 निशान देखने को दिखाई दे रहे हैं। तो 2-3 निशान दिखाई दे रहे हैं तो अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये देख सकते हो कि ये अपना जो अभी मैसेज था वो डिलीट हो चुका है। आप भी कुछ इस प्रकार से अपने जीमेल के मैसेज को डिलीट कर सकते हो। बड़ी आसानी से जीमेल का मैसेज डिलीट हो जाता है। अगर आप दूसरा भी डिलीट करना चाहते हो तो वापस ऐसे इसके ऊपर टैप करके रखना है, ये डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि जीमेल के मैसेज को कैसे डिलीट करते हैं। बाकी आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती हो फ़ोन में तो आप एक बार मैसेज कर देना, मैं आपके लिए वो वीडियो ला दूंगा। आपको बस एक बार मैसेज करना है, बाकी आपका भाई वो वीडियो बना देगा। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है गाइस। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ उसे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, धन्यवाद।